झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला किया, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया। आपको बता दें, मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव सकराया में रविवार देर रात्रि वृंदावन पुलिस को झगड़े की सूचना मिली, जिस पर पीआरवी गांव में पहुंची, जहां कुछ दबंग ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के साथ जमकर अभद्रता करते हुए मारपीट की और पुलिसकर्मियों की सरकारी पिस्टल भी छीन ली, जिसके बाद सूचना पाकर भारी पुलिस बल गांव में पहुंच गया और कार्यवाही करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सरकारी पिस्टल को बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। जनपद मथुरा में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे पुलिस के साथ घटना करने से भी नहीं चूक रहे। ऐसा ही मामला वृंदावन में देखने को मिला, जहां झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ दबंगों द्वारा जमकर मारपीट करते हुए अभद्रता की और उनकी सरकारी पिस्टल छीन ली गई। जानकारी देते हुए एसपी सिटी उदय शंकर सिंह ने बताया, रात्रि में लगभग 9:15 बजे थाना वृंदावन क्षेत्र अंतर्गत गांव सकराया में एक झगड़ा की सूचना पर पीआरवी पहुंची। वहां कुछ लोगों ने पीआरवी कर्मियों से विवाद कर लिया और उनके साथ मारपीट की। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए पिस्टल की बरामदगी कर ली और तीन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गांव से जान बचाकर भागे पीआरवी सवार हेड कांस्टेबल और चालक हेड कांस्टेबल की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन, समाचार 24। सर बताइए, वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला हुआ, क्या मामला है? आज रात्रि में लगभग 9:45 बजे थाना वृंदावन क्षेत्र अंतर्गत गांव सकराया में एक झगड़े की सूचना पर पीआरवी पहुंची। वहाँ पे कुछ लोगों ने पीआरवी कर्मियों से विवाद कर लिया और उनके साथ मारपीट की तथा उनकी पिस्टल छीन ली। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए पिस्टल की बरामदगी कर ली है और तीन लोगों को इसमें अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है।